एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उनका नाम राधा था। राधा बहुत ही दयालु और सहानुभूतिपूर्ण थी। वह बहुत गरीब थी, लेकिन उनकी गरीबी उनके स्नेह और दया को कभी कम नहीं कर सकी। राधा का एक ही बेटा था, जिसका नाम रामू था। रामू किसी नगर में नौकरी करता था और अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। रामू हर महीने अपनी माँ के पास आता था, उसे पैसे देता और फिर वापस शहर चला जाता था। लेकिन एक महीने रामू नहीं आया, फिर दूसरे महीने भी वह नहीं आया। राधा को बहुत चिंता हुई। उसने सोचा कि उसके पास पैसे तो हैं ही, लेकिन बेटे का ख्याल उसे चैन नहीं आने दे रहा था। वह रोज़ बेटे का इंतज़ार करती, लेकिन रामू नहीं आया। अंततः राधा ने फैसला किया कि वह शहर जाएगी और अपने बेटे का पता लगाएगी। राधा ने अपने सारे पैसे जमा किए और शहर के लिए निकल पड़ी। शहर पहुंचकर उसने अपने बेटे को ढूंढना शुरू किया। दिन बीतते गए, लेकिन वह अपने बेटे का पता नहीं लगा सकी। उसके पास पैसे भी खत्म हो गए। राधा की चिंता बढ़ गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन वह एक दुकान के सामने बैठी रो रही थी। दुकानदार ने उसे देखा और उससे दुख का कारण पूछा। राधा ने अपनी कहानी सुनाई। दुकानदार ने उसे अपने बेटे के बारे में बताया। रामू ने एक हादसे में अपनी जान गंवाई थी। राधा यह सुनकर टूट गई। उसने अपने बेटे के नाम की मिट्टी अपने हाथों से चूमी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके मन में एक आशा थी। उसने अपने बेटे को खोने का दुख स्वीकार किया और अपने गांव लौटने का फैसला किया। राधा की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। उनकी कहानी हमें दया, सहानुभूति और प्यार शक्ति के बारे में याद दिलाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।